यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। न कांग्रेस बने किंग न जेडीएस किंग मेकर, अब की बार बीजेपी सरकार कर्नाटक में भी। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव और कर्नाटक में अब बीजेपी सरकार बन रही है और ऐसे में एक और राज्य में यानी 21 राज्यों में देश के अब 21वें राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और इसी के साथ में मोदी शाह की जोड़ी को बेजोड़ जोड़ी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास इसका कोई विकल्प नहीं मिला और कर्नाटक जो है वो बीजेपी ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है 112 का वो बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब नतीजे भी सामने आने लगे हैं जिससे स्थिति जो है वो लगभग स्पष्ट होती अब नजर आ रही है। रुझानों की तरह ही अब नतीजे भी सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, बहुमत से महज कुछ ही सीट दूर है और ऐसे में अब क्या कुछ वजह रही कांग्रेस की इस हार के पीछे और बीजेपी की इस जीत के पीछे क्या कुछ वजह नजर आती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का खबरें अभी तक पर। जी अनिल आर्य जी, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, ऐसे में कैसे आप देखते हैं कर्नाटक के चुनाव को क्योंकि 21वां राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अवंतिका जी देखिए, एक तो एंटी इनकम्बेंसी रहती है एक सरकार की और एक बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत शानदार रहा है। उनकी जो माइक्रो मैनेजमेंट है कि उन्होंने एक पेज के ऊपर आधे पेज के ऊपर आधा पन्ना लेके आए हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो एक पेज था कि एक जो वोटिंग लिस्ट का एक पेज होता है वहाँ पर हमारा एक डेलीगेट मौजूद होगा, लेकिन अब की बार इन्होंने आधा पन्ना कर दिया था उसको कि वहाँ पर हमारा एक आदमी मौजूद रहेगा एक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रचारक और उसके बाद में इतने सारे मुख्यमंत्रियों का जो प्रचार था, प्रचार के मामले में कांग्रेस बहुत पीछे थी बीजेपी से और प्रधानमंत्री और सेंटर की गवर्नमेंट का बहुत फर्क पड़ता है उससे। दो तीन महत्वपूर्ण कांड रहे हैं, एक तो नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व जो है वो यहाँ जीत का कांड बनता है, दूसरा महत्वपूर्ण कांड बनता है प्रचार के, सेंटर गवर्नमेंट है और उसके बाद में प्रचार, तीसरा एक केंद्र का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, खासकर उत्तर भारत में तो रहता है, दक्षिण भारत में इसका प्रभाव नहीं देखा जाता, लेकिन जैसे ही न्यूज चैनल्स की बाढ़ आई है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो सारी चीजें हैं वो बढ़ी हैं तो दक्षिण भारत में भी हम इसका प्रभाव सेंट्रल गवर्नमेंट्स का देख सकते हैं कि वहां भी प्रभावी रहते हैं हमारे हिंदू। राजीव रंजन जी, जिस तरह से अनिल जी ने कहा कि प्रचार जो है उसने अहम भूमिका निभाई क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे, अमित शाह पहुंचे और कई रैलियां जो है वो की गई, एक बाद एक 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 दिन में तीन तीन चार चार रैलियां तक की गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी लगभग 2.5 साल बाद में सोनिया गांधी मैदान में नजर आई रैली करती हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मैदान में थे और साथ ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला चुनाव था, ऐसे में हाथ कांग्रेस की जो है जो उम्मीद थी वो नहीं लगाए। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि प्रचार के मामले में कांग्रेस ने भी इस बार काफ़ी गंभीरता से प्रचार किया। मुझे लगता है कि गुजरात से बेटर उनका यहाँ था चूंकि यहाँ उनकी सरकार थी तो इनके पास रिसोर्सेज का उतना क्रंच नहीं था। भारतीय जनता पार्टी नेचुरली काफ़ी मजबूत पार्टी है, संगठन के रूप में भी और कई मामलों में काफ़ी मजबूत है, इनका भी प्रचार काफ़ी ये रहा। लेकिन इसमें यह देखते हैं कि अब जो हमारे पास जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं अवंतिका जी, ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हार रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी उतनी बुरी तरीके से भी नहीं हार रही है। आप देखिए, एक तो होता है कि नहीं, पिछले साल की तुलना अगर जो पिछली बार चुनाव हुए 2013 में उसके मुकाबले आप देखें तो बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। नहीं, बुरी तरीके से इस मामले में आप कह सकती हैं, बट अगर हम एक इसको दूसरे नजरिए से देखें, देखिए वहां पहला तो है क्या कि लोगों के पास ऑप्शन दो थे, भारतीय जनता पार्टी को हम सरकार में लाए, कांग्रेस को रिटेन कराए। कर्नाटक में देखिए रामकृष्ण हेगड़े के बाद वहाँ किसी भी सरकार को रिपीट नहीं किया गया है, वो हर एक बार चेंज कर देते हैं और इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बदले कांग्रेस के बदले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे जा करके अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ सरकार बनाई थी कर्नाटका में पहली दफा जिसको हरा करके कांग्रेस की सरकार बनी थी, जनता ने कांग्रेस को नकारा। इसका मतलब कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार थी उससे जनता में सेटिस्फेक्शन नहीं था, किंबहुना सरकार के प्रति रोष था, भ्रष्टाचार के प्रति रोष था और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपेक्षा निर्माण हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हमने भारत सरकार के रूप में किया है उसको एक प्रकार से जनता ने समर्थन किया है और उसके साथ साथ फिर से एक बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है और मेरा विश्वास है कि कर्नाटक की जनता हमारी सरकार पूरी करेगी और निश्चित रूप से कर्नाटक एक विकसनशील राज्य में के रूप में देश में आगे जाएगा। और जो बात हम कह रहे थे लगातार कि कांग्रेस मुक्त भारत हो,
तो कर्नाटक है उसमें से ऐसी कड़ी है कि ये बात को लगभग सिद्ध होने के बाद तरफ ये जारी है। अब लगभग देश के किसी महत्वपूर्ण राज्यों में पंजाब को छोड़कर कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की स्थिति एकदम ऐसी हुई है कि आज वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और व्यक्ति विरोध कर रहे हैं, एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले 19 के चुनाव में अब हम निश्चित रूप से विजय होंगे, ये मेरा विश्वास है। एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई। अगर पंजाब में वो जीतते हैं तो ईवीएम अच्छे हैं और कर्नाटक में हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। मुझे लगता है ये बात जो है, एक बार ये राजनीतिक परिपक्वता का दिशा दर्शक नहीं है। हम लोकतंत्र में हैं, कभी जीत होती है कभी हार होती है। अगर जीत होती है तो नम्रतापूर्वक स्वीकारनी चाहिए और हार होती है तो उसको बड़े दिल से स्वीकारना चाहिए। मुझे लगता है यार के चर्चा में कुछ दम नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा था कि 2019 में वो प्रधानमंत्री बनने लायक भी अगर उनकी पार्टी है तो वो तैयार हो जाएंगे और नामदार और की लड़ाई प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि उनकी सब बातों का जवाब कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। न उनका विश्वास कांग्रेस पर है, न कांग्रेस के राज्य सरकार में जो मंत्री मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी थी उनके ऊपर है, न राहुल गांधी के ऊपर है। एक प्रकार से देश की जनता में तो नकारा है ही, पर कर्नाटक की जनता ने भी इन तीनों को नकारा है, यही इसी बात से सिद्ध होता है। 2019 पर इस रिजल्ट का फर्क निश्चित रूप से, मैं आज तक जो संभ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि भाजपा को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अब ये बात सिद्ध हो गई है कि 19 में चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से चुनकर आएगी, इस बात को लगभग इस चुनाव ने सिद्ध करके दिखाया। गठबंधन सारी पार्टियों का बनता है, अभी भी बना है, अभी थोड़ी लोग बने हैं, फिर भी इसके बाद जनता 2+2=4 नहीं होता राजनीति में, तो वहां तो स्वाभाविक रूप से जो होता है उसमें लोग विचार करके ही निर्णय करते हैं। देश के भविष्य के लिए, विकास के लिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास है, ये बात एक के पीछे एक चुनाव में सिद्ध हो रही है। इट इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। 48 साल कांग्रेस के और 48 महीना भाजपा के, इसकी अगर आप तुलना करोगे तो मैं ये दावा नहीं करता कि हमने सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा है, पर जो 48 साल में नहीं हुआ वो 48 महीने में करके दिखाया है। इसीलिए लोगों में एक आस पैदा हुई है कि देश के तकदीर को, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के भविष्य को बदलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है और मोदी जी के नेतृत्व में ये परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो दिया है सब।